अरे पीछे करके जूम करके लेना है भैया। अरे पीछे करके जूम करके लेना है भैया। कंट्रोल में है, अपराधी जो है डर से कांप रहे हैं। इसका तो आंकड़ा सरकार के पास होगा ही, और हम तो खास करके वहाँ साक्षात रूप में हम अपने आपको वहाँ देखे भी हैं कि कितना लॉ एंड ऑर्डर है, कि जो हजारों हजार लोग वहाँ पे अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरा, और सैकड़ों लोगों को क्रिमिनल के द्वारा गोली मार के बम मार के उनका हत्या की गई। लॉ एंड ऑर्डर नाम का चीज़ पूरे भारत में अगर सबसे लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो झारखंड में है। लेकिन वो मंत्री जी भी बोल रहे थे कोई ऐसा मशीन नहीं है ना कि हम हत्या रोक सकते हैं, जो बोल रही है उस पे मंत्री जी को बोलने दिए। मंत्री जी अपना सरकार का बचाव कर रहा है, मगर वो खुद अपने आप को समझ रहा है, राज्य के लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति नहीं है। इसमें बोलने का क्या बात है, चलिए आंकड़ा तो देख लीजिए। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लग रहा है कि जो गलत कर रहे थे उसी अफसर का ट्रांसफ़र कर रहा, जो शरीफ लोग है सबको रखा गया है, जो हज़ारों ट्रक कोयला डेली पार करवा रहा है। व्यवस्था को कैसे सुधारना है, ये माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और आप देखेंगे विधि व्यवस्था के मामले में और राज्यों के तुलना में हमारा राज्य में विधि व्यवस्था और राज्यों के तुलना में और बहुत अच्छी है, और भी अच्छा किया जाए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। सीएम चिंता करते हैं और राजधानी रांची में जहां डीजीपी है, मुख्यमंत्री है, एसएसपी, पांच अधिकारी और हत्या हो जा रहा है, किस टाइप की चिंता? कहा कि घटना दुखदाई है, मैंने बार बार कहा कि घटना दुखदाई है और ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन अब घटना हुई है, इसकी जांच भी होगी, जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, जो भी अपराधी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे, उन्हें सजा दिलाई जाएगी, और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है सभी जगहों पर। अब ये घटना हो गई है तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं, और आज से बताएं कि पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, सरेआम महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, सरेआम दिन दहाड़े पुलिस की, सीआरपीएफ की, केंद्रीय सैनिक बलों की उपस्थिति में सरेआम गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, उस पर भी सवाल करना चाहिए। गिरिडीह में भी